पिछले 3.5 साल के अंदर भाजपा और जसपा दोनों ने मिलकर जो प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, तो आज पूरा प्रदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ देख रहा है। जो हुड्डा साहब कहते हैं ना कि एक कहता था 75 पार, एक कहता था जमुना पार, तो फिर बन गए दोनों के दोनों यार, तो ये गठबंधन नहीं है, ये बेमेल ठग बंधन है। ये कुछ आरोप अगर ब्रजभूषण शरण पर लगा रहे हैं तो उनकी जांच करवाने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती थी? इस प्रदेश के अंदर जो खिलाड़ियों का रुतबा था, जो खिलाड़ियों का मान सम्मान था, वो जब से ये भाजपा जसपा सरकार आई है कहीं ना कहीं उसको चोट तो पहुंची है। और इस भ्रष्टाचार की रेवड़ी खाने के लिए ही भाजपा और जसपा सरकार ने गठबंधन या ठगबंधन किया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि जिन खिलाड़ियों की बातें तुरंत प्रभाव से समझी जानी चाहिए थी, उनको संघर्ष का सहारा लेना पड़ रहा है। नमस्कार, राम राम। मैं मेहंदी गर्ग और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि वो प्रदेश प्रवक्ता होने के साथ साथ मेरे फादर साहब भी हैं। राकेश गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा आज। बहुत बहुत धन्यवाद मेहंदी, आपका और आपके चैनल की जितने भी दर्शक हैं सबका। तो आज मैं आपसे सवाल अपने पिता से पूछूं या एक प्रदेश प्रवक्ता से सवाल पूछूं? मेहंदी, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म आई थी दीवार, तो वो डायलॉग तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाव वही है कि जब एक बेटी सवाल पूछेगी तो यकीनन एक पिता जवाब देंगे, लेकिन जब एक पत्रकार सवाल पूछेगी तो फिर एक प्रवक्ता जवाब देंगे। तो चलिए, आज मैं एक पत्रकार होने के नाते ही, हरियाणा आज के पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल कर लेती हूँ। तो व्यापार से आप राजनीति में कैसे आए, ये सफर कैसा रहा आपका? मेहंदी, इसका श्रेय मैं निसंदेह हमारी आदरणीय श्रीमती आशा हुड्डा जी को देना चाहूंगा। 2019 की बात है, एक चुनावी सभा थी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्य अतिथि थे, मंच पर विराजमान थे, और वहाँ उस सभा में आयोजकों ने शायद मेरी किस्मत जोर मार रही थी, मुझे वहाँ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। माँ सरस्वती शायद उस दिन मेरी जिभा पर, जुबान पर बैठी हुई थी। उस सभा के पश्चात मुझे संदेश प्राप्त हुआ कि आपको हुड्डा साहब ने और मैडम ने कोठी पर बुलाया है, और मैं गया। जब वहाँ पर, तो मन में भाव मेरे भी वही थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि भाव मन में कितने ही हो, संकोच होता है कहीं ना कहीं, जाऊं ना जाऊं, डर लगता है, बड़े लोग हैं। लेकिन जब मैं उन लोगों के पास गया तो मैंने देखा कि इनके बारे में आप जैसा मर्जी सोचिए, ये बड़े सरल और सीधे और पारिवारिक लोग हैं। तो वहां मुझे आंटी ने, आशा जी ने बुलाकर सिर्फ एक ही शब्द कहे कि बेटा दीपेंद्र जी के लिए काम करोगे? तो मैंने कहा मैं दीपेंद्र जी को तो जानता हूँ, लेकिन दीपेंद्र जी मुझे नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, काम करोगे, मेहनत करोगे, वो भी जान जाएंगे। आज 4 साल हो गए मेहंदी, तो निरंतर इस परिवार की सेवा कर रहे हैं, और जो कुछ आज समाज में प्राप्त हुआ है वो इस परिवार की वजह से हुआ। चलिए, अब आप राजनीति में तो आ चुके हैं, अमूमन देखा जाता है कि जो लोग राजनीति में आते हैं वो अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए या बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ आते हैं, तो राजनीति में आने के लिए राकेश गर्ग के क्या स्वार्थ रहे और आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं आने वाले समय में? मेहंदी, देखिए, हर क्षेत्र में अमूमन ऐसा नहीं हो पाएगा। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लीजिए, शायद ही ऐसा कोई पद है जिसके ऊपर हुड्डा साहब जिसको सुशोभित ना कर चुके हो। 125 साल का राजनीतिक ये परिवार है, खुद हुड्डा साहब एमपी रह चुके हैं, 2 बार सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उसके पश्चात भी आज अगर वो रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर, पार्लियामेंट विधानसभा के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, तो वो हरियाणा के लिए, हरियाणवी के लिए। भाजपा और जसपा सरकार ने पिछले 8 साल में, भाजपा में और पिछले 3.5 साल के अंदर भाजपा और जसपा दोनों ने मिलकर जो प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, तो आज पूरा प्रदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ देख रहा है। तो इसमें कोई महत्वाकांक्षा और कोई लालसा या कोई लालच नहीं होता है, और मैं इन्हीं का अनुकरण कर रहा हूँ। हाँ, इतनी महत्वाकांक्षा अवश्य है कि 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, और कहीं ना कहीं इतना लालच भी जरूर है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जैसे पहले अपने 10 साल के शासनकाल में इन्होंने प्रदेश को चमकाया था, वैसा ही 2024 के बाद फिर एक बार प्रदेश को चमकाएं। जी, अभी आपने बात की कि आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं,
तो अभी हाल फिलहाल में चौथा पांचवा दिन आज हो गया है, जंतर मंतर का किस्सा आपको पता होगा, वहां पर हमारे देश का खिलाड़ी बना हुआ है, अपने हक की मांग कर रहा है। आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें समर्थन दे दिया है बयानबाजी में भी और वहां पर पहुंच कर भी। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा ही दुखदायी प्रकरण है। जो बेटियां, जो पहलवान, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो किसी प्रदेश के गौरव है या किसी व्यक्ति विशेष के गौरव है, वो राष्ट्र का सम्मान। जब ये हमारे खिलाड़ी पदक जीत कर लेकर आते हैं तो पूरा देश इनको आंखों पर बिठाता है, और ये सारे पदक वीर हैं, ये हमारे देश की आन बान और शान है। तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। इनके कुछ सवाल हैं, ये कुछ आरोप अगर ब्रजभूषण शरण पर लगा रहे हैं तो उनकी जांच करवाने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती थी? अगर ये कोई ऐसे आरोप, यौन शोषण के आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर कोई सामान्य नागरिक होता अब तक उसको उठाकर ये सरकार जेल में डाल चुकी होती, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पूरा प्रकरण है। सरकार को इनकी मांगों को सुनना चाहिए। इनकी मांग भी नहीं है, एक्चुअली में ये मांग नहीं कर रही, ये अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि जिन खिलाड़ियों की बातें तुरंत प्रभाव से समझी जानी चाहिए थी, उनको संघर्ष का सहारा लेना पड़ रहा है। उनको इस तपती दोपहरी के अंदर जो पसीना स्टेडियम के अंदर बहाना चाहिए था, वो पसीना उनको जंतर मंतर की सड़कों पर बहाना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके साथ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की उनके साथ है, उनके साथ गए। और आप ये देखिए, जब हम हुड्डा साहब का शासन काल था, उनकी तो बड़ी स्पष्ट नीति थी, पदक लाओ और पद पाओ। कितने डीएसपी लगाए हुए, कितने खिलाड़ियों को सरकारी कोटे से नौकरी दी हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस प्रदेश के अंदर जो खिलाड़ियों का रुतबा था, जो खिलाड़ियों का मान सम्मान था, वो जब से ये भाजपा जसपा सरकार आई है, कहीं ना कहीं उसको जो चोट तो पहुंची है। और आज जो ये हमारा देश का गौरव जंतर मंतर पर बैठा है, हम कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार सिपाही होने के नाते भी ये जरूर कहेंगे कि भाजपा सरकार इस बात का संज्ञान ले, इन बच्चों की सुने, इस खिलाड़ियों की सुने, और जो इनकी मांग है वो तुरंत प्रभाव से पूरी की जाए। भाजपा जजपा सरकार का अभी गठबंधन चल रहा है, आने वाले समय में ये खबरें हैं या फिर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के इलेक्शंस में भी ये गठबंधन फिर से बनाया जा सकता है। तो 2019 के गठबंधन को लेकर भी कुछ ना कुछ सवाल उठाए जा रहे थे, तो बीजेपी और जेजेपी के इस गठबंधन को कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है और आप कैसे देखते हैं? देखिए मेहंदी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बात कहते हैं कि 2019 का चुनाव भाजपा और जजपा ने दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा था। ना इनकी नीतियां आपस में मैच करती, ना इनकी नीयत आपस में मैच करती, ना इनके विचार आपस में मैच करते। और जो हुड्डा साहब कहते हैं ना कि एक कहता था 75 पार, एक कहता था जमुना पार, और फिर बन गए दोनों के दोनों यार, तो ये गठबंधन नहीं है, ये बेमेल ठगबंधन है ना। और इन्होंने चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, और हरियाणा प्रदेश की जनता ने कोई इनको सरकार बनाने के लिए मैंडेट या वर्डिक्ट नहीं दिया था, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जाकर चुनाव लड़े थे। लेकिन सत्ता के लालच में और भ्रष्टाचार करने के लिए और इस प्रदेश को लूटने के लिए, आज जो इतना बड़ा कर्जा प्रदेश सरकार पर हरियाणा प्रदेश के ऊपर हो चुका है, वो सारा इस भाजपा जजपा सरकार की देन है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई बहुत बड़ी परियोजना नहीं आई, कोई मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, उसके बावजूद अगर प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि दो पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इस भ्रष्टाचार की रेवड़ी खाने के लिए ही भाजपा और जजपा सरकार ने गठबंधन या ठगबंधन किया था। लेकिन ये इनका जो पोल है वो जनता के सामने खुल चुकी है, और बिल्कुल 2024 का चुनाव तय है कि भाजपा की तो पिछली बार सारे मंत्री हार गए थे, मुझे लगता है इस बार तो स्वयं मुख्यमंत्री भी चुनाव हार जाएंगे और जजपा का तो खाता भी नहीं खुलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला। तो 2024 में आप कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी विकल्प है या कांग्रेस पार्टी ही आएगी? कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है और कांग्रेस पार्टी ही आएगी। जिस प्रकार से पिछले 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और 3.5 साल के अंदर इन दोनों ने मिलकर प्रदेश को लूटा है, आज आप ये देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप देखते होंगे हरियाणा का हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी है, पूर्व कर्मचारी है, किसान है, व्यापारी है, महिला है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, गुंडागर्दी है, अपराध है, हर मामले के अंदर, जिस मामले के अंदर एक समय था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस प्रदेश को पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटल, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश के अंदर नंबर वन बना दिया था। आज ये प्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन बन चुका है, आज ये प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर वन बन चुका है, आज ये प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा को नहीं दे पाने में नंबर वन बन चुका है, अपराध में नंबर वन बन चुका है।
तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वो समय याद करती है और बिल्कुल तैयार बैठी है, बोल नहीं रही है लेकिन तैयार बैठी है कब चुनाव आए, कब वोट की चोट मारे, कब इस सरकार को चलता करे, कांग्रेस की सरकार लाए और एक बार फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए। आपको हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से जोड़कर देखा जाता है और कहा भी जाता है कि आपको प्रदेश प्रवक्ता की उपाधि भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी, तो आप कांग्रेस की राजनीति कम करते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति ज्यादा करते हैं? मैंने चलिए आज आपके सवाल के जो ये मिथ है इसको भी तोड़ देते हैं। 1885 के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और करीब करीब उसी समय से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का परिवार कांग्रेस के साथ, कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के जड़ों को सींच कर राजनीति कर रहा है। अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार के खून में है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जिस्म और आत्मा का संबंध है, आप इनको अलग करके नहीं सोच सकते। कांग्रेस और हुड्डा परिवार परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आज राकेश गर्ग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अनुयायी है तो आप इस सत्य को भी समझिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अनुयायी होना और कांग्रेस का सिपाही होना ये एक ही बात है, आप इसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते। तो चलिए ये भी बता दीजिए कि अब राजनीति में तो आप कूद ही चुके हैं, तो राजनीति में आपके रोल मॉडल कौन है? निसंदेह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं सिर्फ अपने तक इस बात को नहीं सीमित रख सकता। आप प्रदेश का दौरा कीजिए, आप हरियाणा प्रदेश के किसी शहर में जाइए, किसी गांव में जाइए, कस्बे में जाइए, मोहल्ले के अंदर जाइए, आज अगर प्रदेश का युवा आशा भरी नजरों से अगर किसी को देख रहा है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहा है। इस प्रदेश के युवाओं का रोल मॉडल अगर कोई आज है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और क्यों ना हो, शराफत, सादगी, सरलता, इन तीनों गुणों का मिश्रण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और 18-18 घंटे सड़कों पे लोगों के बीच में रहता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो मुझे गर्व है इस बात का कि मैं भूपेंद्र हुड्डा का सिपाही हूं और भूपेंद्र हुड्डा जी मेरे रोल मॉडल हैं। आपकी डिबेट्स हमने भी देखी है और बेशक हमारे दर्शकों ने भी देखी होगी, तो आप विपक्षी प्रवक्ताओं पर या फिर बीजेपी और जेजेपी सरकार पर जैसे अभी आप आक्रामक हुए थे, अपनी डिबेट्स में भी वैसे ही दिखाई देते हैं, तो आप में जोश ज्यादा है, होश ज्यादा है या फिर आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं? ना जोश ज्यादा है ना मैं अपने आप को सुपीरियर समझता हूँ। और अगर आपने डिबेट्स देखी होंगी मेहंदी, तो आप ये देखिए कि जो मैं बोल रहा होता हूँ तो आपने सामने वाले जो प्रवक्ता बैठे हैं आपने उनको भी देखा होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये किस पाठशाला में पढ़कर आते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि तथ्यों के साथ बात करूं, सच को बात करूं। अब ये किस पाठशाला से पढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। वो जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी एक शब्द बोलते थे ना, षट शाठ्यम समाचरे, यानी कि मूर्ख को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। तो मुझे लगता है जब मैं डिबेट में बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में मुख्यमंत्री जी का वो वक्तव्य चल रहा होता है और उसी भाषा में मैं उनको जवाब दे रहा होता हूँ, और आप देख रहा वो भाषा उनको समझ भी आ रही होती है। तो आप कम्प्लीटली होश में रहते हैं अपनी डिबेट्स के दौरान? हाँ, निश्चित रूप से होश में रहते हैं, सच के साथ रहते हैं और जो भाषा सामने वाले को समझ में आती है कोशिश करते हैं उसी भाषा में उनको जवाब दे दें। तो लगातार हमने लोगों से ये बोलते हुए सुना है कि जब भी आप मंच पर चढ़ते हैं तो उस पूरे प्रोग्राम की महफिल लूट लेते हैं, चाहे अपने भाषण में हो, चाहे अपनी बयानबाजी में हो, किसी भी चीज को लेकर, ऐसा लोगों का कहना है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। नहीं, आप क्या सोचते हैं वो भी बता दीजिए, लोगों ने तो कह ही दिया है आपके बारे में। देखिए मेहंदी, भाषण एक कला है और अमूमन आप भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी बच्चे रहे हैं, और अमूमन बच्चा जो होता है नंबर कम आए, एग्जाम्स में नंबर कम आए, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, इस वजह से टीचर्स की डांट पड़ती है। अब तो डांट पड़ती है, पहले हमारे समय में डंडे पड़ते थे, डांट नहीं पड़ती थी जब डंडे मारे जाते थे। गुरु धर्मपाल जिंदल जी जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया, ये भाषण मुझे उन्होंने बोलना सिखाया, तो वो मुझे अपने से बड़ी क्लास के बच्चों के सामने ले जाते थे और वो उन बच्चों को कहते थे, अमूमन एक क्लास के अंदर 60 बच्चे होते थे, वो 5 मिनट का मुझे भाषण याद कराकर वो ले जाते थे और उन बच्चों को कहते थे अब ये तुम्हारे सामने बोलेगा और इसकी कमियां आपने नोट करनी है, कहाँ इसने शब्दों का उच्चारण गलत किया, कहाँ इसका बात करने का वक्तव्य जो टेम्पो है वो टूट गया, कहाँ ये भूल गया। और आप यकीन करोगे क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं तो 60 गलतियां नोट कर लेते थे और गुरु धर्मपाल जिंदल जी 60 डंडे उन बच्चों के सामने मारते थे। मैंने पढ़ाई पे डंडे नहीं खाए लेकिन भाषण के अंदर गुरु धर्मपाल जिंदल जी के बहुत डंडे खाए हैं। और धर्मपाल जिंदल जी अगर आपके चैनल के माध्यम से ये वीडियो उन तक कहीं पहुंच जाए तो आज भी आपके कृतज्ञ हैं गुरु जी, ये ज्ञान, ये कला, ये सब आपकी देन है। लेकिन एक बात इसके अंदर मैं और ऐड कर देता हूँ, अब किसी भी कला में मेहंदी कितने ही निपुण क्यों ना हो जाए, उस कला का भाव, उस कला का जो इम्प्रेशन है
दूसरे के दिल तक जब पहुंचेगा, जब आप सच बोलेंगे, आप सच बोलेंगे और सच्चे लोगों के लिए बोलेंगे, तब आपकी बात में वजन पैदा होगा। मुझे इस बात का गर्व है, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, आजादी, इस देश को आजादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी का सिपाही होना अपने आप में एक गर्व की बात है। और वो गर्व, वो सच्चाई मेरे शब्दों से झलकती है। और अच्छे लोगों के लिए बोलना, आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार के बारे में आप बोलो, तो मुझे लगता है कि ये एक संगम हो जाता है। अच्छे लोगों के लिए बोलना, सच बोलना, और फिर जो गुरु धर्मपाल जिंदल जी का ज्ञान है, ये मिलकर एक कॉम्बो पैक बन जाता है और शायद लोगों को अच्छा लगता है। अब राजनीति में आप आ गए हैं, लेकिन आप पेशे से व्यापारी हैं, तो लगातार हम देखते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो अपने आप को राजनीति से दूर रखता है और अपने व्यापार में खुश रहता है, अपनी घर गृहस्थी में। तो आपने राजनीति का रास्ता भी चुना, तो आपने क्यों चुना राजनीति का रास्ता व्यापार से हटकर, और इन दोनों में, व्यापार और राजनीति में जो तालमेल है वो कैसे बिठा पाया? आपने एक ही सवाल में दो सवाल पूछे। देखिए, राजनीति करना, व्यापार करना, मुझे लगता है इन दोनों चीजों से पहले होता है कि आपका एक सफल परिवार। अगर आप पारिवारिक रूप से सफल नहीं है तो मैं दावा करके कह सकता हूँ कि आप एक सफल व्यापारी भी नहीं बन सकते, और राजनीति तो बहुत दूर की बात है। तो आज अगर मैं समाज को कुछ दे पा रहा हूँ, मेरी पार्टी को मैं कुछ दे पा रहा हूँ, या मैं अपने बिजनेस को कुछ हद तक खड़ा कर पाया हूँ, तो इस सारी बात का श्रेय आपकी माता जी और मेरी धर्मपत्नी सीमा जी को जाता है। अगर वो महिला सेक्रीफाइस नहीं करती, कंप्रोमाइज नहीं करती या सहयोग नहीं करती, तो ये करीब करीब असंभव होता कि मैं इस मकाम को हासिल कर पाता। चलिए, बस लास्ट एक सवाल आपसे, व्यक्तिगत सवाल मैं कर लेती हूँ, कि जब एक बेटी इंटरव्यू ले रही होती है तो कैसा लगता है? इस सवाल का जवाब कोई शब्दों का, इतना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो मैं, निसंदेह नहीं दे सकता। ये किसी भी पिता के लिए एक गौरव की बात होती है कि उसकी बेटी या उसके बच्चे इतने लायक हो जाए, इतने सक्षम हो जाए कि वो आपके सामने बैठ कर आपसे सवाल करें और आप जवाब ना दे पाए। तो ये इस बात का भी श्रेय मुझे लगता है कि एक बार फिर मुझे आपकी माता जी को ही दे देना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक कामों में व्यस्त रहे, एक साधारण सी पृष्ठभूमि से निकल कर आए थे, तो जिम्मेवारियां ज़्यादा थी, व्यापार खड़ा करना था, और राजनीति के अंदर आने के बाद तो समय का बिल्कुल और अभाव हो गया। और तो ये जो कला है आपके पास भी अद्भुत है, और इस बात को शब्दों में बताने के लिए तो मैं कहूँगा कि भाई फिर वो आदमी झूठी बोलेगा, ये भाव शब्दों में नहीं बता जा सकते कि जब एक बेटी इंटरव्यू कर रही है तो एक बाप क्या सोच रहा होगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, भगवान हमेशा आपको कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे शब्दों के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेहंदी, धन्यवाद जी। अभी आपने सुना ये हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश गर्ग जी से हमने बातचीत की, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया। ऐसे ही नेताओं के साथ, प्रवक्ताओं के साथ हमारी बातचीत सुनने के लिए आप हरियाणा आज को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। कैमरामैन के साथ मैं मेहंदी गर्ग, हरियाणा आज।